सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंडरफुल ऑटोमोबाइल्स। तो आ चुके हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। और गाइस आज है अपने पास गाइस ब्रेजा का LXi मॉडल, जो कि है गाइस काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मॉडल है और काफ़ी वेकिंग रहती है इस मॉडल पे। तो आज गाइस इस वेरियंट का ना फुल वॉक अराउंड करने वाले हैं कि क्या क्या गाड़ी में फीचर्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी गाइस अभी देख लेते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ फ्रंट लुक देखने को मिलता है गाइस, ठीक है गाइस चेक कर लो आप फ्रंट लुक। फ्रंट में जो है हेलोजन प्रोजेक्टर जो है लाइट्स देखने को मिलती है, नीचे आप जो है देख सकते हैं इंडिकेटर्स, बीच में जो है क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है, बाकी ऊपर जो है ये आप देख रहे हैं क्रोम, ये मतलब जो है एक्सेसरी का पार्ट है, क्रोम बता रही है मैंने शायद आपको। नीचे जो है ये मतलब ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलती है, जो क्रोम है ये एक्सेसरी का पार्ट है, आप लगवा सकते हैं आपकी मर्जी है। नीचे फॉग लैंप्स जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। नीचे आप ब्लैक फिनिश जो है वो देख सकते हैं, ठीक है गाइस ऐसा कुछ लुक है। छोटा मतलब ऐसा कुछ बोनट भी आप देख सकते हैं वाइट कलर में। और ये गाड़ी गंदी हो रही है गाइस, उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे घड़ी थी। बाकी गाइस साइड में चलें तो साइड में आप 16 इंच इसके टायर्स देख सकते हैं, टॉप मॉडल वाला साइज देखने को मिलता है। अलॉयज गलवाने हैं तो आप गलवा सकते हैं। और यहाँ पर साइड में आप ORVMs देख सकते हैं, इन पर ही इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, ये क्रोम बेल्ट लाइन देख रहे हैं गाइस, ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये नॉर्मल में नहीं देखने को मिलता है। ऊपर कोई भी रूफ रेल्स वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। साइड लुक ऐसा कुछ है, डायमेंशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है गाइस 198 mm की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिलती है। ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना और नीचे चले तो गाइज ऐसा कुछ लुक है। बैग से बैग में तो यार मिनी रेंज रोवर ही लगती है गाड़ी, क्योंकि लुक ही इतना बड़ी है। ऊपर जो है आपको कोई भी डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलता है विंडशील्ड पर, ठीक है ब्रेजा की बैजिंग, बाकी रेंज रोवर जैसी लगती है पीछे से तो मिनी। और लाइट्स जो है वो LED में देखने को मिल जाती हैं, टेल लाइट्स, इनका लुक काफ़ी अच्छा है, डिफ्यूज फॉर्म में जलती हैं रात को। नीचे जो है आप देख सकते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स। बाकी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो बेस वेरिएंट्स हैं उनमें जो है स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो नहीं देखने को मिलता है, जो बैटरी प्लेस करी गई है मतलब जो अपनी सीट के नीचे होती है वो जो है आपको टॉप के 2 मॉडल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। ये LXi मॉडल है जिसकी डिमांड काफ़ी रहती है, इसमें कंपनी वालों ने दे ही नहीं रखा है क्योंकि हटा दिया गया था कुछ समय पहले। और नीचे जो है आपको कोई भी जो है स्किड प्लेट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। साइड में चल लेते हैं इधर से गाइस, गाड़ी का लुक चेक करो, साइड में भी अच्छा सा लुक गाड़ी का देखने को मिलता है। अभी बूट स्पेस वगैरह देख लेते हैं, सबसे पहले चाबी देखते हैं फिर बूट स्पेस पे चलते हैं। मैं चाबी उठा लेता हूँ, तो गाइस ऐसी कुछ चाबी है। अब सेम आपने देख ही रखी है, कितनी बार दिखाऊं, लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे 2 बार फिर डिग्गी खोल जाएगी। नीचे बटन देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और हेलोजन जो है आपको देखने को मिलेंगी जो है अपनी क्या कहते हैं जो यार क्या होती है लाइसेंस प्लेट की लाइट। और ऐसा कुछ बुक स्पेस है 328 liters, कोई भी पार्सल सेल्फ जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। सीट में जो है कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट या हेडरेस्ट की नहीं देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी गंदी चीज़ है यार, एडजस्टेबल नहीं तो फिक्स तो दे ही सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं गाइस, कोई भी जो है आपको लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ी जगह देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ कूल किट वगैरह, नीचे जो है आपको स्पेयर टायर देखने को मिलेगा 16 इंच का ही देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। बाकी डिग्गी का वेट काफ़ी देखने को मिलता है इसमें, मतलब लगता है कि मारुति ने काम किया है काफ़ी डिग्गी के पार्ट पे, ठीक है। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी का अंदर का इंटीरियर की बात करते हैं। तो चाबी की बात कर ली है, अभी चलते हैं अनलॉक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोर देख लो गाइस, ब्लैक कलर का डोर है, कोई भी फैब्रिक फिनिश वगैरह नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है ऑल 4 पावर विंडोज, ये लॉक अनलॉक के लिए, कोई भी जो है ORVM एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं अपना नॉर्मल भी हैंडल देखने को मिलता है। नीचे जो है 1 लीटर बॉटल होल्डर, कोई स्पीकर नहीं देखने को मिलेगा। एक बार आप चेक कर लो गाइस इंटीरियर का ऐसा कुछ लुक है, ठीक है। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मैं कैमरा एंगल एडजस्ट करता हूँ। भाई बिल्कुल ऐसा मतलब खाली से ही देखने को मिलता है क्योंकि LXi मॉडल है,
पर फिर भी सेंट्रल लॉकिंग वगैरह मिल रही है, इतना कुछ मिल रहा है तो वो काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वैनिटी मिरर वगैरह। बाकी इंटीरियर का लुक देख लो, यहाँ से बिल्कुल खाली है। ये ब्लैक फिनिश वगैरह देख लो, यहाँ पर जो है आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी। मतलब बड़ा बनाया है, अंदर वाला छोटा ही है हिस्सा। बाकी अगर यार बलेनो स्विफ्ट वगैरह में, मतलब बलेनो में तो ये ऑटोमेटिक देते, इसमें क्या जा रहा था, इसमें भी दे देते, बढ़िया सी लुक आ जाती है इसमें। और नीचे जो है आपको 120 वोल्ट का जो है, मतलब 120 वॉटेज का जो है चार्जर का सॉकेट देखने को मिलता है। और ये कुछ लुक है ऐसा स्केयरिंग का, मतलब स्केयरिंग कह रहा हूँ आपको, गियर नॉब का। और स्केयरिंग बिल्कुल है खोखला ही देखने को मिलता है फ्लैट बॉटम है पर। और हॉर्न देखें, ऐसा कुछ हॉर्न है कौन में। और अभी जो है मीटर नहीं चलने वाला है, क्योंकि गाइस इस गाड़ी का ना फ्यूज निकाल रखा है, अभी शोरूम पर खड़ी है। बाकी आवाज आती है, देखो एसी वगैरह अपना चल गया है, ठीक है, यहाँ से तो चलेगा नहीं क्योंकि बाकी आपने देख ही रखा है, इसके तो अलग से आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉग लैंप देख रहे हो ना, फॉग लैंप का स्विच चाहिए, ये एसेसरी का पार्ट है, आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। नीचे जो है बोनट ओपन करने के लिए, फ्यूल टैंक जो है वो ओपन करने के लिए। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 45 लीटर्स की है, सेम ग्रैंड विटारा जितनी। मैनुअल जो है IRVM देखने को मिलता है। और गाड़ी काफी स्पीशियस है, मतलब ना मुझे काफी पसंद है ये गाड़ी, ये और ग्रैंड विटारा इनकी ना बेस्ट गाड़ियां लगती हैं। बाकी आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेंशनर, एयरबैग्स दो ही देखने को मिलते हैं गाइस, ABS EBD डुअल एयरबैग्स, ऐसे कुछ फीचर्स हैं सेफ्टी में, ठीक है गाइस। बाकी स्पीकर्स की स्पेस जो है वो आप डोर पे देख सकते हैं, एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। वैसे गाइस ग्रैंड विटारा और इसकी साउंड सेम ही है, और क्लच दबाना पड़ता है चाहे आपके पास नॉर्मल की वाली है, क्योंकि सेफ क्लच स्टार्ट जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल ग्रैंड विटारा वाली आवाज है, इन बीन सेम, क्योंकि गाइस इंजन ही सेम है तो ये तो सेम होगी। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चलते हैं हम पीछे, पीछे का स्पेस देख लेते हैं जो कि काफी मेन चीज है। तो यहाँ पर मैं बैठने नहीं वाला हूँ क्योंकि स्पेस तो यार आपको पता ही है ब्रेजा का काफी बढ़िया है। फटाफट देख लो गाइस, हेडरेस्ट वगैरह कोई भी नहीं देखने को मिलते हैं, एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, बाकी स्पेस इतनी कुछ देखने को मिलती है। नीचे डोर आप देख लो, नॉर्मल डोर है। चलिए गाइस रखते हैं, अभी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। LXI जो है मैनुअल में ही देखने को मिलता है, फटाफट प्राइसिंग की बात कर लेते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंजन जो है मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि यार इंजन देख ही रखा है आप सबने। इंजन जो है 1.5 लीटर का जो है इंजन देखने को मिलता है, और लाइट्स एक बार चेक कर लो आप हेलोजन में, ऐसी कुछ लाइट्स हैं। 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, 100, ठीक है 1.5 लीटर का, 105 BHP का गाड़ी में पावर है, और 100 आपको 38 NM का जो है वो टॉर्क जो है वो देखने को मिलता है, तो ऐसा कुछ टॉर्क है। बाकी प्राइसिंग की बात करते हैं गाइज क्विकली। चीज है गाइज आपको और बता देता हूँ कि कोई भी हाइट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलती है सीट में, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो गाइज अभी फटाफट ना गाड़ी के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग और सेफ्टी फीचर्स की, कि क्या प्राइसिंग है। तो गाइज जैसा कि ये LXI बेस मॉडल है, पेट्रोल मैनुअल में ही देखने को मिलता है, तो गाइज इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है, अभी जैसे मैं जुलाई में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसका जो प्राइस है वो है 1,34,000 एक्स शोरूम। बाकी इसके कुछ केक वेरी करता है प्राइस, जो ऑन रोड आपका प्राइस है तो वो आप अपनी सिटी और स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं गाइज। बाकी गाइज सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जैसे कि ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और ऑल फोर सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्री टेंशनर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स फोर देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी गाइज ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं। और गाइज अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपके लिए एक बोनस है, क्योंकि एंड में आपको दिखाने वाला हूँ LXI बेस मॉडल जो है अलॉयस के साथ, अभी देखते हैं गाइज। तो गाइज ये चेक करो, ब्रेजा का LXI मॉडल ही है, बट ये मॉडिफाई कर रखा है कंपनी वालों ने, और इस गाड़ी में गाइज ग्रैंड विटारा के 17 इंच के अलॉयस जो है वो डाल रखे हैं, और ये एसेसरीज की लिस्ट है, LXI मॉडल है, 92,000 की एसेसरी लग रखी है। लुक चेक करो गाइज, कितनी गाड़ी क्लासी लग रही है इन अलॉयस के साथ, मतलब गाड़ी का ना लुक इतना बढ़िया लग रहा है, LXI बेस मॉडल तो ये लग ही नहीं रहा, इतना बढ़िया लुक है। पीछे से तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है गाड़ी, बाकी अलॉयस का लुक भी इतना तगड़ा लग रहा है। बाकी ये आपकी मर्जी, आप लगवा सकते हैं, टायर्स आपको चेंज करवाने पड़ेंगे क्योंकि ये 17 इंचेस में जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी गाइज यही था कंप्लीट वीडियो ब्रेजा LXI का। गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाकी गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।